हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है आपका, जिसका नाम है जय कर समित। सो गाइस, देख सकते हैं साल का पहला संडे था। संडे राइड पे जाना था, पूरी तैयारी थी, सब पैक करा हुआ था। और जैसे ही मैं उठा, मैंने देखा यार बारिश हो रही है। और मुझे लगा था कि थोड़ी देर में बारिश ख़त्म हो जाएगी, तो 8 बज गए वेट करते करते, लेकिन फिर भी बारिश बंद नहीं हुई। लेकिन यार अब उठ गए हैं, तैयार हो गए हैं, अभी इसको बाय बाय बोलते हैं और वापस कवर कर देता हूँ। कार खड़ी है अपनी आगे। मैंने सोचा थोड़ी दूर जाना, क्या छतरी लें, थोड़ा सा भीग लेंगे। गाड़ी साफ हो गई है बिल्कुल बारिश की वजह से, और अच्छी खासी बारिश हो रखी है, आप देख सकते हैं बाहर। चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं, और मैं आज से सोच रहा हूँ कि व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दूँ अपने चैनल पे, क्योंकि यार काफ़ी भाग दौड़ रहती है डेली रूटीन में। सो व्लॉगिंग भी होती रहेगी, आप सबको पता भी लगता रहेगा, मेरे से इंटरेक्ट भी होते रहेंगे। निकलने के बाद से यार बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गई है, अब दिल्ली में ठंड बढ़ जाएगी। वैसे 3-4 दिनों से दिल्ली में ठंड बढ़ी हुई थी, और अब बारिश के बाद देखो दिल्ली में क्या मज़ा आता है। वैसे मैंने देखा था टेम्परेचर 2-3 डिग्री तक पहुंच रहा था, और यार मतलब मेरी विश है कि दिल्ली में भी माइनस में टेम्परेचर जाना चाहिए। मुझे सर्दियाँ बड़ी पसंद है, और बर्फ़ गिरने का तो खैर नाम नहीं हो सकता। बारिश इतनी बढ़िया हो रही है, साल का पहले संडे है तो घूमना तो बनता है। मैं संडे खराब नहीं करना चाहता था घर पे रह के, इस वजह से निकल गया, और बिल्कुल नई जगह लेके चलूँगा आपको, थ्रोटल चोटल लेपर्ड ट्रेल्स, और वहीं चल रहे हैं हम। और आप वेदर देखिए एक बार, हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। मैंने कैफे का बोर्ड भी देख लिया है, देखिए गाइस लग रहा है ना बाहर आ गए कहीं। पतला सा रास्ता है, थोड़ा सा ध्यान से चलना है, और वेदर भी ख़राब है, लेकिन दोनों तरफ हमारे पहाड़ी और बड़े बड़े ब्रेकर। कैसी जगह यार, मतलब दिल्ली NCR में ऐसे भी जगह थी यार, हमें पता ही नहीं था। और अगर आप आस पास रहते हैं तो आप आ सकते हो, रास्ता मैंने बता दिया है आपको। थ्रोटल शोटल लेपर्ड ट्रेल्स करके आप जब भी सर्च करेंगे मैप में तो वो सर्च करना, अदरवाइज आप थोटल छोटल पुराने वाले पहुंच जाओगे। तो थोटल छोटल भी चलते हैं, उससे पहले थोड़ा सा फोटो शूट कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, मैं दिखाता हूं आपको। सो फाइनली गाइज हम पहुंच गए हैं, और आप एक बार देखिए कितनी ढलान है यहाँ पे, गियर वेयर अपने डाउन करके आराम से। और बारिश का मौसम वैसे है तो थोड़ा सा चिकना भी हो रहा होगा, इस वजह से कार तो वैसे भी थोड़ी सी रेस की है, बाइक तो फिर भी एक बार को अपने को एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो आगे कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी हो जाएगी अगर आप चाहोगे तो। और ये रहा लेपर्ड ट्रेल्स, अपना एंट्री होने वाली है बस, तो कुछ इस तरीके की एंट्री है ताकि आपको एडवेंचरस भी लगे, और आप आओ तो थोड़ा सा लगे कि हाँ आप कुछ डिफरेंस रेस्टोरेंट या कैफ़े में बोल सकते हो कि आए हो। साइड में लगा दी पार्किंग, इस तरीके से इसकी लुक है। आसपास बिल्कुल ग्रीनरी,
अभी आज बाइकर्स बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी यार, और बारिश की वजह से कोई भी बाइकर नहीं आ पाया। आप देख सकते हैं जितनी भी आई हैं गाड़ी आई हैं, इसलिए आगे से रास्ता बताया, आगे से भी एक रास्ता है तो वहाँ से हम निकलेंगे। नीचे सीटिंग दी हुई है, अगर बारिश वारिश आती है तो वहाँ भी फिर भी लीक कर रहा है, और बाकी सीटिंग जो है बाहर की तरफ दी हुई है। सो आपको आना चाहते हैं तो रास्ता मैं आपको बता दूंगा, छोटा छोटा लेपर्ड ट्रेल डालेंगे तभी आपको ये वाला कैफ़े आपको सर्च में आएगा, मतलब लोकेशन एक नंबर की है। और जिस रोड से मैं उतर के आया था आप देखना एक बार सामने, वहाँ पे अभी एक दो स्कॉर्पियो गई है यहाँ से, वहाँ पे सही से चढ़ नहीं पा रही, स्लाइड हो गई, काफ़ी मिट्टी है तो चिकना हो गया, इस वजह से अपनी गाड़ी भी निकल नहीं पाएगी। इन्होंने इसलिए आगे से रास्ता बताया, आगे से भी एक रास्ता है तो वहाँ से हम निकलेंगे। तो गाइस कुछ इस तरीके का यहाँ पे मेन्यू था, और मैंने ऑर्डर किया है यहाँ पे एक पिज़्ज़ा और चाय, क्योंकि यार और पराठे वराठे खाने का मन है नहीं। तो गाइस चाय तो आ गई है, चाय मैंने आधी पी ली है, और पिज़्ज़ा का वेट कर रहा हूँ, अभी तक आया नहीं है, पिज़्ज़ा आता ही उधेड़ दूँगा उसको। पनीर टिक्का सैंडविच मैंने आपको दिखा दिया, खा लेते हैं यार फिर यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि टाइम भी हो गया काफ़ी, 12 बजे के आसपास हो गए हैं, और रास्ते में फिर से एंजॉय करते हुए चलेंगे, दोबारा से फोटोज़ वगैरह लेंगे जो मैं वीडियो के बीच में डालता रहूँगा। जैसे ही निकले हैं फिर से बारिश स्टार्ट हो गई, देखिए थोड़ा सा भीग भी गए हैं। ये जो रास्ता है वो थोड़ा सा खतरनाक सा है, देखते हैं अपनी गाड़ी चढ़ जाएगी, बस छोटी सी है, चढ़ जाएगी तो ठीक है, अदरवाइज कोई दूसरा रास्ता देखेंगे। रास्ता पूरा मिट्टी से भरा हुआ है, देखते हैं अपनी गाड़ी क्या परफॉर्म करती है इस टाइम। ओह माय गॉड, फेल कर दी स्कॉर्पियो। गाइस रास्ता देखिए, जिस पे सारी कार फिसल रही थी, बिल्कुल एकदम से गहराई है यार यहाँ पे, और अपनी कार एक बार में बिना कोई टेंशन लिए, बिना मतलब एक सेकंड भी पता नहीं लगा कि मैं इतनी अच्छी चढ़ाई चढ़ रहा हूँ, इसके ऊपर फिसलन भी थी, और जबकि ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, अमेज़ मैंने अभी देखा कितने टायर घूम रहे थे इसके यार, और स्कॉर्पियो तक, मतलब एक फॉर्च्यूनर गाड़ी ऐसी थी जो बिना कुछ करे आ गई थी, और उसके बाद ये अपनी। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं, बारिश थोड़ी कम हो गई। तो गाइस कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बता देना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।